तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है और नीट और जेई मेंस में काफ़ी बार ये आया हुआ है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ कि एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज वोल्ट मीटर V1 और V2 की रीडिंग यहाँ पे दी हुई है, कितना है 300, ठीक ना। ये V1 और ये V2, इसकी रीडिंग 300 है ईच। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट ये कितना रीड करेगा और आमीटर इसमें कितनी करंट फ्लो होगी उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, देखो तुम जब पढ़े होगे, फेजर डायग्राम बनाए होगे, तो यहाँ से तुम पढ़े होगे कि जो XL है और जो XC है वो अपोजिट फेज में होते हैं, ठीक ना। तो XL और XC अगर अपोजिट फेज में होते हैं तो जब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज होंगे तो ये वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो रिजल्टेंट दे देंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो ये अगर जब भी वोल्टेज V1 और V2 आपस में बराबर होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जब कभी भी बराबर हो जाता है तो वो रिजोनेंस हो जाता है, क्योंकि वी नेट वोल्टेज जो है वो होता है V1 - V2 का होल स्क्वायर प्लस V3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर V1 V2 बराबर है तो ये जो कंडीशन है वी नेट भी जो है वो V3 के बराबर होगा, और V3 जो है जब ये दोनों वोल्टेज बराबर होता है, जो RMS वोल्टेज लगाए हो उसी के बराबर होगा, 20 RMS, ठीक ना। 20 वोल्टेज, ये RMS वोल्टेज है, दिस इज़ द RMS वोल्टेज, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट तो इसके मतलब इसके अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस V3 की रीडिंग आ जाएगी। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब करंट जो होती है, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस मिनिमम, ठीक ना। तो वोल्टेज वही है, 220 वोल्ट RMS लगाए हो और रेजिस्टेंस मिनिमम जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस Z इज इक्वल टू होता है XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R² अंडर रूट। तो जब वोल्टेज बराबर है, तो जब वोल्टेज बराबर है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, रेजिस्टेंस भी बराबर हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस मिनिमम होती है वो R के बराबर होती है। आई होप कि आप पढ़े होगे। तो ये 1.0 से ये मतलब 2.2 एम्पीयर मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। दैट इज़ अपना B ऑप्शन सही हो जाता है और ये गलत है। थैंक यू।